हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप 10 क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं गॉस के नियम के दूसरे अनुप्रयोग के बारे में। आज हम लोग चर्चा करेंगे तो गॉस के नियम का दूसरा अनुप्रयोग क्या है, वो आपके टॉपिक में लिखा गया है। वो दूसरा अनुप्रयोग क्या है डियर गाइज, डियर स्टूडेंट, वो दूसरा अनुप्रयोग आपके सामने लिखा गया है अनंत विस्तार की समरूप आवेशित चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है। आराम से धीरे धीरे ज्ञात कर लेंगे, जैसे इससे पिछले वाली सभी टॉपिकें क्लियर कर चुके हैं। और आप लोग कोई कमेंट नहीं करते तो उम्मीद करते होंगे कि आपको हर एक टॉपिक जरूर समझ में आता होगा, क्योंकि हम आपको हर बार वीडियो के अंत में कहते हैं कि अगर कहीं भी किसी भी टॉपिक में कोई समस्या रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दिया करें। तो आपका कमेंट आता नहीं तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके दोस्तों को भी इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। आइए आपके कीमती समय को ना गंवाते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्या है अनंत विस्तार की समरूप आवेशित ना, तो हम करेंगे क्या, मानते हैं कि अनंत विस्तार की कोई आवेशित चादर ले लेते हैं। अब आप कहोगे सर जी चादर क्या होता है? अरे चादर आप लोगों ने ठंडियों में बहुत उड़ा होगा, इसमें लंबाई और चौड़ाई होते हैं, उड़ा होगा ना। तो बस वैसे ही यहाँ पर एक चादर लेंगे, वहाँ चादर ऊन का बना होता था, पर यहाँ चादर जो है ना उस पर आवेश वितरित रहेगा, समान रूप से सभी जगह आवेश फैले रहेंगे। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं कैसे। अब आइए एक हम लोग क्या बना लेते हैं, एक आवेशित चादर बनाते हैं। ये हो गई एक आवेशित चादर। अभी ये आवेशित नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि इस पे आवेश हमने दिखाया नहीं है। अब आप देखिए इसको आवेशित चादर बनाते हैं, इस पे एक समान रूप से आवेश को वितरित करा दिए। ये लीजिए, ठीक इतना करा लिए। अब हम क्या करते हैं, कोई एक आवेशित चादर हो गया। अब इस माना कोई एक आवेशित चादर है जिसपे फैले हुए जो आवेश की मात्रा है वो क्या मान लेते हैं, क्यों मान लेते हैं। ये जो आवेश की मात्रा है, ये फैले हुए आवेश की मात्रा क्या है, क्यों है, और इस चादर का जो क्षेत्रफल है क्या है, वो है। इतनी बातें क्लियर हुई, क्या मानते हैं, माना कोई आवेशित चादर है। नाम देना चाहो तो दे सकते हो, ये कोई नाम दे दीजिएगा ए, या तो आप नाम देना चाहो तो ये आर दे दीजिएगा, ए एस दे दीजिएगा। तो माना ऐसे मानिएगा, माना कोई आवेशित चादर, माना कोई आवेशित चादर आर एस है, ठीक, जिस पर आवेश की मात्रा क्या है भी, क्यों है, फैले हुए जो आवेश की मात्रा है क्यों है, तथा क्षेत्रफल क्या है भैया ए है। अब आप आगे ध्यान से समझिएगा, ठीक। अब क्षेत्रफल ए है, आपने पढ़ा था कि किसी भी चादर पर या किसी भी पृष्ठ के एक क्षेत्रफल पर जिसे हम लोग एकांक क्षेत्रफल कहते हैं, तो डियर स्टूडेंट किसी भी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर फैले हुए आवेश की मात्रा क्या कहलाता है, पृष्ठीय घनत्व कहलाता है। तब लिखेंगे चालक का पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व को आप लोग सिग्मा से व्यक्त करते हैं, तो सिग्मा बराबर हो जाएगा क्यू बटे ए। सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बटे ए, क्यों, किसी भी पृष्ठ के एक क्षेत्रफल पर फैले हुए आवेश की मात्रा का अनुपात ही क्या कहलाता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। ये हो गया, ठीक। अब ये आप समीकरण एक बना लिए, इतनी बातें समझ आई। अब आइए हम लोग क्या करते हैं, इस आवेशित चादर से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, इधर भी P हो सकता है
वो बिंदु P आपका इधर भी हो सकता है, ध्यान से समझिएगा, वो बिंदु P इधर भी दोनों तरफ हो सकते हैं, तो हम लोग दोनों तरफ मान लेते हैं। R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु क्या है P डैश है, जिस पे क्या ज्ञात करना है, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आप ध्यान से समझिएगा, R मीटर की चादर से R मीटर की दूरी पर, चादर के मध्य बिंदु O से या चादर के मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है तथा P डैश है, जिस पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इस बिंदु P और P डैश पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम लोग एक गौसियन पृष्ठ की क्या कर लेंगे, कल्पना कर लेंगे, जो कि क्या कैसा होने वाला है, एक बेलन के आकार का होने वाला है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, एक गौसियन पृष्ठ की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। ठीक, ये ठीक, ये हो गई, ये क्या हो गई, बेलन की अक्ष हो गई। ध्यान से समझिएगा, एक गौसियन पृष्ठ की हम लोगों ने क्या कर लिया, यहाँ पर कल्पना कर लिया, जो कि O से R मीटर की दूरी पर, O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है तथा P डैश है, P है और क्या है P डैश है, जिस पे परिणामी विद्युत क्षेत्र की क्या ज्ञात करना है, तीव्रता ज्ञात करना। इतनी बातें क्लियर हुई, अगर अभी भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अब आप देखिए, ये जो आपने गौसियन पृष्ठ की कल्पना की, इसमें दो तीन पृष्ठ हो गए, एक एस वन पृष्ठ हो गया, एक एस टू हो गया, एक क्या हो गया एस थ्री। अब कहोगे सर जी एस वन एस टू एस थ्री कैसे हो गए, देखिए ये एक बेलन के आकार का है, देखिएगा ये एक बेलन के आकार का, ये वाला पृष्ठ एस वन हो गया, ध्यान समझिएगा, ये वाला पृष्ठ एस वन, ये वाला पृष्ठ एस थ्री, और ये वाला जो ये जो वक्र पृष्ठ है, ये कौन सा पृष्ठ हो गया एस टू हो गया। अब हम लोग क्या करते थे, इससे पिछले वाले डेरिवेशन में हम लोगों ने क्या किया था, इससे एक छोटा सा खंड काटे थे, इससे एक छोटा सा खंड काटे थे, इससे एक छोटा सा खंड काटे थे, तो हम लोग करेंगे क्या, यस थ्री में भी एक छोटा सा खंड काट लेंगे। कटे हुए खंड की दिशा किधर होगी, इधर की तरफ होगी, कटे हुए खंड की दिशा इधर की तरफ होगी, डी एस थ्री। तो आप ऊपर से जब काटोगे तो कटे हुए जो क्षेत्रफल हैं उसकी दिशा किधर होगी, ऊपर की तरफ होगी, ये हो गई डी एस थ्री की दिशा। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, इसी प्रकार एस वन पर एक छोटा सा खंड काटेंगे, कहाँ पर काटेंगे यस वन पर, जब यस वन का एक छोटा सा खंड काटेंगे तो यस वन पर कटे हुए खंड की दिशा इधर हो जाएगी डी एस वन। इतनी बातें समझ में आई। फिर इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, एक खंड यस टू पे काट लेंगे, एक खंड क्या काट लेंगे यस टू पर, तो कटे हुए एस जो कटे हुए यस टू का भाग होगा ये हो जाएगा डी एस टू, क्योंकि यस टू का एक छोटा सा भाग है, इसकी दिशा किधर हो जाएगी ऊपर की तरफ हो गई। ठीक, इतनी बातें क्लियर हुई, एक बार फिर से हम लोग क्लियर करते हैं। हमने यस थ्री का एक छोटा सा भाग काटा जिसकी दिशा ऊपर की तरफ डी एस थ्री यानी बाहर की तरफ है, एक छोटा सा खंड हम लोगों ने पी यस वन पृष्ठ पे काटा जिसकी दिशा डी एस वन ये भी बाहर की तरफ हुई, और एक यस टू पे एक छोटा सा खंड काटा जिसकी डी एस टू जिसकी दिशा ऊपर की तरफ है। इतनी बातें समझ में आई। अब आपको पता है जो चादर से विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं वो बाहर की तरफ निकलती हैं, यानी चादर से निकलने वाली जो विद्युत बल रेखाएं ई हैं वो इस प्रकार निकलेंगी, यानी चादर से विद्युत बल रेखा ई इस प्रकार निकलने वाली है। ध्यान से आप समझिएगा, इस चादर से जो विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी वो ई इस प्रकार निकलेंगी इधर की तरफ ऐसे। ठीक, ये सब विद्युत बल रेखाएं ई निकलेंगी। आप इमेजिन कीजिए कि मान लीजिएगा यहाँ पर एक विद्युत बल रेखा यहाँ पर निकली होगी और वो विद्युत बल रेखा ई की दिशा किधर होने वाली, इधर। देखिएगा आप ध्यान से समझिएगा, यानी एक विद्युत बल रेखा ई इस पे भी आई होगी, तो ई और डी एस थ्री के बीच का जो कोण है वो यहाँ पर क्या हो गया, जीरो अंश। क्यों, क्योंकि जो विद्युत बल रेखा ई की दिशा है इधर है, विद्युत बल रेखा की दिशा और जो डी एस थ्री ये छोटे से खंड की दिशा दोनों एक ही दिशा में है, इसलिए वहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर से प्यारे बच्चों फिर से समझ लीजिएगा, यहाँ जो डी एस थ्री और ई के बीच का कोण जीरो कैसे हुआ, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में हैं, दोनों एक ही रेखा पे है, इसलिए दोनों के कोण क्या हो गए, जीरो अंश हो गए। यही सेम प्रोसेस इस तरफ होगा, इस तरफ भी इससे निकलने वाली विद्युत बल रेखाएं जो है, तो इस पे भी ई आपको यहीं पर मिलेगा, तो
ई और डीएसवन के बीच का जो कोण होगा यहाँ भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही रेखा पर है। पर यश टू पृष्ठ पे जब आएंगे तो यश टू पृष्ठ पे आप देखेंगे यहाँ पर ई ये हो जाएगा, तो यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा, जीरो न हो के थीटा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर हुई? यानी यहाँ थीटा 90 हो गया, यहाँ थीटा जीरो, यहाँ थीटा फिर से जीरो। अब आप ध्यान से समझिएगा, इस पृष्ठ से जो वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा शून्य हो जाएगा। क्यों शून्य होगा? क्योंकि थीटा 90 हो गए और इन दोनों पृष्ठों से वैद्युत फ्लक्स का मान निकालेंगे। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। चलिए आगे की प्रोसेस स्टार्ट, तो हम लोग आगे की प्रोसेस को अब आगे स्टार्ट करते हैं। इतनी बातें समझ में आई? अब हम लोग निकालेंगे क्या, S1, S2 और S3 तीनों पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, जोड़ देंगे तो कुल वैद्युत फ्लक्स निकल के आ जाएगा। तो हम लिखेंगे क्या क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे S1 पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या निकालेंगे, आगे लिखेंगे। एक मिनट, ये वैद्युत फ्लक्स निकालने से पहले जरा सा निकाल लेते हैं, क्या लिखेंगे, ऐसे निकालते हैं। चलिए आवेश या चादर के कारण, चलिए अब आप ध्यान समझिएगा। अब हम लोग करते क्या, S1 पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या मान लेते हैं, ∅1 बराबर क्या पढ़े हैं, इंटीग्रेशन ई डी एस वन कॉस थीटा। और यहाँ थीटा क्या है भैया, जीरो अंश है, थीटा यहाँ पर क्या है, जीरो अंश है। तो क्या हो जाएगा, ∅1 बराबर ई इंटू कॉस जीरो अंश का मान क्या हो जाएगा, एक, तो ई इंटू कितना हो गया, डी एस वन। इतनी बातें समझ में आई? जिनका समाकलन नहीं होगा उनको हम बाहर कर लेंगे, तो यहाँ ई का समाकलन नहीं होने वाला है तो हम लोग ई को बाहर कर लेंगे। जब ई को बाहर करेंगे तो क्या मिलेगा, आगे समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। तो ∅1 बराबर आ जाएगा, ई बाहर आया, इंटीग्रेशन ऑफ DS1। ध्यान से समझिएगा, आपने क्षेत्रफल क्या मान चुके हैं, आपने क्षेत्रफल क्या माना है, ए है। तो मान लेते हैं जो ये DS1 है, इस DS1 का पूरा क्षेत्रफल हम लोग मान ही चुके हैं, ए है। तो ये DS1 बराबर क्या हो जाएगा, ए। इतनी बातें समझ में आई? तो यहाँ क्या रख देंगे, ई इंटू कितना हो गया, ए, ई इंटू ए, ये 51 का मान आ गया। समीकरण नंबर कौन सा बना लिए, दो बना लिए। अब इसी प्रकार हम लोग क्या निकालेंगे, S1 पृष्ठ और S3 पृष्ठ एक समान है तो लिखेंगे, चूँकि S1 व S3 पृष्ठ एक दूसरे के समान है, एक दूसरे के समान है, अतः S3 पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, S3 से तो वैद्युत फ्लक्स ∅3 हो जाएगा। ∅3 बराबर, जैसे वहाँ EA आया वैसे यहाँ भी EA आ जाएगा। समीकरण नंबर क्या आ गया, 3। तो ये हमने S1 और S3 पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स निकाल लिया। बचा कौन है प्यारे बच्चों, बचा कौन है, S2 से। तो क्या निकालेंगे, S2 पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स, होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो S2 से वैद्युत फ्लक्स क्या मान लेते हैं, ∅2 बराबर क्या पढ़े थे, इंटीग्रेशन ई इंटू डी S2 हो जाएगा यहाँ, क्योंकि दूसरे पृष्ठ की बात हो रही है, इंटू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। और थीटा बराबर क्या है, यहाँ 90 अंश है, थीटा बराबर क्या है भैया, 90 अंश। तो ई यहाँ ई इंटू कितना हो जाएगा, डी S2 कॉस 90। और कॉस 90 अंश का मान आप जानते होंगे, कॉस 90 अंश का मान 0 होता है, तो ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, 0। तो ∅2 बराबर 0, समीकरण नंबर 4। ठीक, अब क्या निकालेंगे, कुल विद्युत फ्लक्स क्या निकालेंगे भैया, कुल विद्युत
फ्लक्स। तो कुल विद्युत फ्लक्स फाई ई मानते हैं, जो कि फाई वन और फाई टू और फाई थ्री के योग के बराबर होगा। फाई वन का मान भैया, फाई वन का मान ई इंटू ए है, और फाई टू का मान जीरो, और फाई थ्री का मान ई इंटू ए। तो जोड़ देते हैं, तो एक्स एक्स जोड़ते हैं, टू एक्स आता है, ई ए और ई ए जोड़ लेंगे तो फाई ई बराबर क्या आ जाएगा, टू ई ए। समीकरण नंबर पाँच। अब हम लोग क्या करेंगे, गॉस का नियम जानते हैं। गॉस के नियम से, गॉस का नियम क्या कहता है कि गॉस के नियम से फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर छः। अब समीकरण पाँच व छः से क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। तो समीकरण पाँच व समीकरण छः से, समीकरण पाँच व छः से ये देख रहे हैं दोनों पक्ष बराबर हैं, तो ये दोनों पक्ष भी बराबर होंगे। क्या आ जाएगा, टू ई ए बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। आपको क्या ज्ञात करना था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर हो जाएगा, ई बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों चीज़ इधर चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, क्यू बटे टू ए एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगा, क्यू बटे टू ए एप्सिलॉन नॉट। तो ये परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। पर आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर आपने पढ़ा था कि क्यू बटे ए बराबर सिग्मा पढ़े थे, क्यू बटे ए बराबर क्या पढ़े थे, सिग्मा। यहाँ देखिए समीकरण एक से सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू बटे ए होता है। तो क्या हो जाएगा, ई बराबर जहाँ क्यू बटे ए है वहाँ क्या हो जाएगा, सिग्मा बटे टू एप्सिलॉन नॉट। तो इस प्रकार ये जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है, ये आवेशित चादर के कारण कुछ मीटर की दूरी पर बिंदु P हो चाहे P डैश हो, उस पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, उस तीव्रता का व्यंजक इस प्रकार हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, आपको अगर कहीं भी किसी भी वर्ड या लाइन में आपको कहीं भी कोई दिक्कतें आती हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही हम लोग की सुधार आएगा। नहीं तो हम लोग सोचते होंगे कि आप लोगों को समझ में आ जाता है, ठीक। अगर समझ में आ जाते हैं तो ज़रूर तब भी कमेंट कीजिएगा कि समझ आ जाता है सर जी, ठीक चल रहा है क्लासेस। तो उम्मीद करते होंगे कि आज का लेक्चर, आज का वीडियो आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिएगा, ठीक। धन्यवाद।